आपको लगता है इंडस्ट्री में नए स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत है या एक चेंज की जरूरत है स्क्रिप्ट राइटिंग में? कहानियों की हमेशा जरूरत है, जब तक अच्छी कहानियां नहीं मिलेंगी मुझे नहीं लगता अच्छा सिनेमा बनेगा। तो कहानियों की तो डेफिनेटली जरूरत है। आपकी फिल्मों की स्क्रिप्ट बहुत पसंद की जाती है और आपको उसका क्रेडिट भी काफी मिलता है कि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, फिर भी इंडस्ट्री में कहा जाता है कि राइटर्स को उनका क्रेडिट नहीं मिलता। कहाँ सही है, कितना सही है? नहीं, इसमें दो चीजें हैं। एक है कि अगर कहानी अच्छी होगी, अगर कहानी पसंद की जाएगी तो राइटर को डेफिनेटली यू क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा, लोग जानना चाहेंगे किसने लिखी, वो तो होगा ही होगा। एक दूसरी बात ये है कि कोई किसी की कहानी लेके बना देता है, कुछ कर देता है, वो अलग एक किस्सा है। उसके ऊपर आई थिंक कुछ सेशंस हो रहे हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर स्क्रिप्ट। सर, आपको नहीं लगता कि जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं वो खुद से जो भी स्क्रिप्ट लिखते हैं, जैसे जाने को या जाने ना हो गई या फैशन हो गई, तो वो डायरेक्टर्स की अपनी मतलब सोच होती है फिल्म को किस तरह से बनाना है, तो वो फिल्में ज्यादा बेहतर मानी जाती है। जहाँ दूसरी तरफ अगर स्क्रिप्ट राइटर अलग है, डायरेक्टर अलग है, तो वो थोड़ी मतलब फिल्म डगमगा जाती है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो डायरेक्टर खुद लिखता है वही बेहतर फिल्म होती है। एक दौर चल रहा है जब काफी डायरेक्टर्स हैं जो अपनी अपनी कहानियां लिख भी रहे हैं। एक जमाना था जब ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म बनाते थे, गुलजारों के लिए कहानियां लिखते थे और हर किस्म से अच्छी कहानियां बनी हैं। अनफॉर्चुनेटली अब शायद कहानियां कम नजर आती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहानियां काफी अच्छे राइटर्स टेलीविजन की तरफ चले गए हैं। काफी कहीं मुझे लगता है थोड़ी मीडियोक्रिटी आ जाती है जब आदमी जल्दबाजी में काम करने की कोशिश करता है। कहीं एटीट्यूड में थोड़ा फर्क आया है, कहीं थोड़ा पेशेंस लेवल कम हुआ है कि कोशिश स्ट्राइविंग कम हो गई है। उन्हें लगता है कि बस लोगों को लगता है कि थोड़ा सा काम करके निकल जाए, तो स्ट्राइविंग जब तक नहीं होगी मुझे नहीं लगता अच्छी कहानी आएगी। सर, मुन्ना भाई चले अमेरिका किसी वजह से रुक गए, तो क्या वजह माने? नहीं, मुन्ना भाई चले अमेरिका बिल्कुल नहीं रुकी है, उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और मैंने वही कहा कि जब तक अच्छी स्क्रिप्ट नहीं होगी हम नहीं बनाएंगे। तो मैं हमेशा अपने हर फिल्म के बारे में कहता हूँ कि जब तक स्क्रिप्ट पे अब काफी काम हो चुका है और मैं अभी फिलहाल थ्री इडियट्स बना रहा हूँ, इसके इमीडिएटली बाद थ्री इडियट्स में बिल्कुल आमिर और करीना की फर्स्ट टाइम एक साथ दोनों स्क्रीन पे आ रहे, तो आपने उन दोनों को ही क्यों सेलेक्ट किया? उन दोनों को चुना बिकॉज रोल के लिए करेक्ट थे, और कोई रीजन नहीं है। सुना है आमिर ने बहुत मेहनत की है अपने लुक के लिए, जो उनका गजनी वाला लुक था वो आपको नहीं चाहिए था, तो उन्होंने जो पूरे सिक्स पैक्स बनाने में इतनी मेहनत की थी उसका आपने बर्बाद कर दिया। इस फिल्म में यहाँ मुझे अक्सर ब्लेम किया जाता है कि हाँ कि मैं अपने हीरोज को कह रहा हूँ कि अपने मसल्स कम करो और हीरोइन से कह रहा हूँ कि ज्यादा खाना खाओ। अब जिस जैसा रोल का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। आमिर इज रियली लॉस्ट वेट एंड इज लुकिंग वेरी गुड। ऑल्सो अगर आमिर की बात करें तो उन्होंने कहा है कि एक राजू हिरानी ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके काम में मैं कभी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता हूँ, बाकी सबको मैं कुछ ना कुछ बताता है। नहीं, आई डोंट थिंक इट्स ट्रू कि आमिर ऐसा कभी इंटरफेयर करता है। आमिर बहुत ही इन्वॉल्व एक्टर है, मेरा जितना इंटरेक्शन हुआ है आई थिंक और एक्टर्स में जो इतना इन्वॉल्व हो तो डायरेक्टर के लिए बेहतर ही है। यू नीड इन्वॉल्व एक्टर्स रादर देन डिटैच्ड एक्टर्स। आई थिंक यू शुड टॉक अबाउट दिस।